शीशी और गुलाब का फूल। अगर हम कीर्तन में आते हैं तो कीर्तन में हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है, कीर्तन में गाना भी जरूरी है, कीर्तन में नाचना भी जरूरी है, ताली बजाना भी जरूरी है। तो अभी बारी बाबा को सुनाने की। हाँ, क्योंकि हमें नहीं पता कौन खाटू कितने भक्त गए हैं, बताइए खाटू। अच्छा, सभी गए हैं तो इन सबको पता होगा। जब इत्र की शीशी है, कोई व्यक्ति पहली बार खाटू जाता है तो वो क्यों जाता है? क्योंकि बाबा से। और ये क्या है? गुलाब का। और ये हम किसी को कब देते हैं? जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ऐसा तो नहीं कि चलती रोड पे किसी को भी दे दे। जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो ये नजारा खाटू का है। जब भक्त पहली बार खाटू जाता है तो बाबा से कुछ लेने जाता है, लेकिन जब वो दूसरी बार खाटू जाता है तो कुछ लेने नहीं देने जाता है। क्या धन्यवाद कि बाबा आपने इतना दिया कि अब कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन जब वो तीसरी बार खाटू जाता है तो ना तो कुछ लेने और ना कुछ देने। वो तीसरी बार क्यों जाता है? सुनो इस भजन में। जो तीसरी बार गए हैं खाटू वो समझ पाएंगे इस भजन को। एक हाथ में मेरे इत्र की शीशी और दूजे में गुलाब है। एक हाथ में मेरे इत्र की शीशी, दूजे में गुलाब है। मिलने आया क्योंकि बाबा मुझको तुमसे प्यार है। मिलने आया क्योंकि पापा मुझको तुमसे प्यार है। किस किस को प्यार है मेरे बाबा से? किस किस को प्यार है? उठा लेना दोनों हाथ और गा लेना लाइने। एक हाथ में मेरे इत्र की शीशी, दूजे में गुलाब है। एक हाथ में मेरे इत्र की शीशी, दूजे में गुलाब है। मिलने आया क्योंकि पापा मुझको तुमसे प्यार है। मिलने आया क्योंकि पापा मुझको। सुनो, आज आप यहाँ क्यों आए हो? क्या भंडारा खाने आए हो? क्या आपके घर में बैठने की जगह नहीं है जो यहाँ आके बैठे हो? रात को क्यों बैठे हो? क्योंकि आपको बाबा से, इसीलिए तो बैठे हो। तो कह दो बाबा से, मिलने आया क्योंकि बाबा मुझको तुमसे प्यार है। तुझे में गुलाब है। हाथ में मेरे इत्र की शीशी, तुझे में गुलाब है। मिलने आया क्योंकि पापा मुझको तुमसे प्यार है। मिलने आया क्योंकि पापा मुझको तुमसे प्यार है। आज वाकई मिलने आए ना बाबा से, वो तालियों की सेवा जरूर करना। करो हाथ उठा के जिनको प्रेम से। एक दो, एक दो। बोलो शाम।
बारी पकड़ लो हाथ बनवारी पकड़ नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे और अगर डूब गए तो क्या होगा हमारा कुछ न बिगड़ेगा हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी किस किस को अपनी लाज बचवानी है बाबा से दोनों हाथ उठा के बाबा से कहो बाबा को बुलाना पड़ेगा अरे आजा आजा श्याम बाबा मतलब कि इस दुनिया से मुझको तो नफरत है मतलब कि इस दुनिया से मुझको तो नफरत है बोलो सच्ची बताना किस किस को नीड है बाबा की ओ बाबा देख लेना पीछे वालों को बहुत ज्यादा जरूरत दिख रही है मुझे दोनों हाथ खोल के और ताली बजा के ओ सबरे मुझे तेरी जरूरत जिसको नीड है बाबा की वो दोनों हाथ उठाओ और जिसको पड़ोसियों की नीड है वो मत उठाना अगर बाबा की दरकार है तो दोनों हाथ खोल के ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है जरूरत है फरमाइश एक फरमाइश आई हमारे पास हम समझ सकते हैं